मैं किसी का किसी में मुक्का मार रहा हूँ, किसी को पकड़ के मार रहा हूँ, नाक में, आंख में, कान में, होठ में, गाल गर्दन में मार रहा हूँ, मार खाते 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 एक समय तो आएगा साला मैं एक टू तो मारू, आएगा कि नहीं आएगा? यस, एक टू तो मारेगा। और वो जो एक टू मारेगा ना, छह बार उसको तुमने सात बार जितना मुक्का मारा ना, सात मुक्के में उसको जितना दर्द हुआ ना, वो सात दर्द को इकट्ठा करके एक मारेगा साला, एक में तुम उठेगा। Yes or no? Yes. है कि नहीं? वो जो छह सात नौ सुना, उस नौ को इकट्ठा करके ये एसटी में करेगा साला, उस एसटी में डीडी उठेगा। सात आठ नौ में जो वो नो 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 सुना, जो कारण था, वो हर एक कारण को वो आठवां में अप्लाई करेगा, उसका डीडी उठेगा। उसके बाद जो उठना शुरू हो जाएगा, रुकेगा नहीं। और अभी तो पर्सनल ज्वाइनिंग का पूरा खेल है। बीपी में तो तुम लिमिटेड इनकम कर सकते हो 12 लाख, पर्सनल ज्वाइनिंग में अनलिमिटेड इनकम, फ्लैगशिप अनलिमिटेड लगाओ, टारगेट लो इस हफ्ते में मैं 4 ज्वाइनिंग लगाऊंगा, इस महीने में 4 ज्वाइनिंग लगाऊंगा, ऐसे करके टारगेट लो, हर महीने महीने में ज्वाइनिंग लगाऊंगा, ऐसे करके फ्लैगशिप अच्छा इनकम कर सकते हो। तुम्हारा नीचे वाला लड़का अगर 10,000 कमाता है, तुम 1,000 कमाओगे, तुम्हारे नीचे में 10 लड़का अगर 10,000 के 10,000 करके कमाता है, तुम 10,000 तो ऐसे ही महीने में कमाओगे फोकट में वाली फ्लैगशिप, हफ्ते में। यस और नो? यस। तो ये जो फ्लैगशिप है, पर्सनल जॉइनिंग का खेल, सर मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, सर ये नहीं है, वो उसके साथ मेरा हॉट कॉन्टेक्ट नहीं है, उसके साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मैं उसको ऐसे ही पहचानता हूँ, जाओ मैं एसटी भी करते रहो ना, दो करके रुकोगे क्यों, थकोगे क्यों, दो करके थक जाओगे तो उसके बाद तुम्हारा दो करके जितना एनर्जी आया था तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनो, बलून को फुलाया 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 फुलाया, पाम दिया पाम दिया पाम दिया पाम दिया पाम दिया, फिर जिधर से पाम जा रहा था ना, उधर में उंगली छोड़ दी, जितना गया था सब निकल के आ जाता, खुश। Yes or no? Yes. अपने दो एसटीपी का प्रॉब्लम कहाँ पे, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे बीच में सिद्धार्थ भी क्या नाम था, जुना के दी ना, जुना के दी को लेके एसटीपी किया, एक एसटीपी, दो एसटीपी, तीन एसटीपी किया, पाम दिया पाम दिया पाम दिया, फिर छोड़ दे, उस सारा पाम चला गया, निकल गया, फिर जाके पाम देना पड़ेगा, उसको पकड़ के रखो, छोड़ो मत, उसी चीज को कंटिन्यू करो, उसी एसटीपी को कंटिन्यू करो, उसी एसटीपी को कंटिन्यू करो, एक समय आएगा तो खूब बड़ा बड़ा होगा। ये सुन लो, एक समय आएगा तो पाम करते करते, रेगुलर करते करते, एसटीपी करते करते, मेरा कहां पे गलती हो रहा है मैं खुद को समझ में आ जाएगा, और गलती को जब मैं समझ लूंगा तो वही गलती को जब मैं सुधार लूंगा, मेरा रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सुन लो, Yes. जिसके लिए आपको कंटिन्यू एसटीपी करना है। अब दो एसटीपी करके बैठे रहोगे, 3 महीने के बाद, 3 हफ्ते के बाद दोबारा करोगे तो नहीं होगा, 2 एसटीपी करके नहीं रुकना है, 4 एसटीपी करके नहीं रुकना है, कंटिन्यू करो एसटीपी। बोले मेरा तो कॉन्टेक्ट सर्वर खत्म हो गया, स्ट्रेंजर से करो एसटीपी, बाजू वाला घर का भाभी को करो एसटीपी, बाजू वाला घर का चाची को करो एसटीपी, न जाने किसमें भगवान का रोग है किसी को पता है, किसमें वो इंसान बसा है, किसमें वो इंसान बैठा है जो आएगा तुम्हारे साथ ज्वाइन करके तुमको बिजनेस का एक अच्छा जगह में लेके चला जाएगा, वो तुमको भी पता नहीं, मुझको भी पता नहीं है। सुनो, पता था क्या मुझे? नहीं पता था, मुझे पता नहीं था मन्नामय सिन्हा, जिसको मैंने बोला था कि तुम कहां पे हो, बोले मैं पॉल्टन बाजार में हूं, तुम मालीगांव चला आओ, बोले ठीक है, 2 घंटे हो गए मालीगांव नहीं आया, पॉल्टन बाजार से मालीगांव आने के लिए कितना समय लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1/2 घंटा, 2 घंटा और तुम कहां पे, बोले मैं स्टेट बैंक के नीचे खड़ा हूं, बोले कौन सा स्टेट बैंक, मालीगांव स्टेट बैंक, तो मैंने बोला तुम 2 घंटा लगा मालीगांव स्टेट बैंक के नीचे आने के लिए, बोले हाँ मैं खड़ा हूं, आप लोग आइए मुझे ले जाइए, तो बोला देख तो मालीगांव में तो मैं स्टेट बैंक के सामने खड़ा हूं, तू कहां पे है, बोले स्टेट बैंक के सामने खड़ा हूं, तू मालीगांव में है या दूसरा कहीं पे चला गया, तो स्टेट बैंक का साइनबोर्ड के नीचे क्या लिखा है, बोले मोड़ीगांव लिखा है, बुलाया था मालीगांव चला गया मोड़ीगांव, वो लड़का है
जिसको हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि वो लड़का इसी इंडस्ट्री में कामयाब बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा। इतना गुरबक था मालीगांव गुवाहाटी सिटी के अंदर में आते हैं, गुवाहाटी टाउन के अंदर में आते हैं, मोड़ीगांव आ गया नौगांव के बाजू में, जागीरोड छोड़ के दो घंटा जानने करके मोड़ीगांव चला गया। सीनियर ने बोला आना है तो चला गया, ऑनेस्ट था, सवाल नहीं पूछा दोबारा। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि वो आगे बढ़ेगा। इंसान का मेहनत इंसान को आगे बढ़ाता है। आज वही एंटर तेजपुर विश्व में चैलेंज को हैंडल कर रहे हैं, एज ए लीडर लीडरशिप दे रहे हैं। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसने कंटिन्यू प्रोसेस में किया। हॉल एस्ट्री भी 100 का हॉल एस्ट्री भी खुद किया, डीडी उठाया, रिजल्ट उठाया। आप अपना गुब्बारे का हवा निकाल दोगे, थोड़ा सा हवा भर के फिर निकाल दोगे तो गुब्बारा तो फिर फूलेगा भी कभी, वो गुब्बारा खराब हो जाएगा। उसके लिए दो स्टेप करके रुको मत, अपना गलती को सुधारो, कहां पे आपका गलती हो रहा है उसको रेक्टिफाई करके फिर आगे बढ़ो, भागो। एसपीएल 9 के लिए सिर्फ 8 हफ्ते बचे हैं, सिर्फ ओनली 8 वीक लेफ्ट फॉर एसपीएल 9, जिसके लिए आपको भागना पड़ेगा। 4 स्टेप करने के लिए आपको भागना पड़ेगा। रिपर्चेस करोगे, बीपी कमीशन पाना है, बिजनेस वॉल्यूम करना है, सब करना है, पर टीम लाके करो टीम के साथ, तो वो बीपी कमीशन बढ़ेगा आपका। यस और नो? यस। समझा पा रहा हूं कि नहीं? यस। फ्लैगशिप बोनस पाना है, टीम को लाओ, टीम के साथ काम करो। जिसके लिए मेरा कहना है कि रैंडम एसटीपी करो। हफ्ते में आप कितना एसटीपी कर पाते हो? रैंडम एसटीपी करो, एसटीपी दिखाते जाओ, एसटीपी दिखाते जाओ, एसटीपी दिखाते जाओ। छोटा छोटा काम के पीछे समय बर्बाद मत करो, समय को सही से यूटिलाइज करो और काम करो। एसटीपी करो, एसटीपी करने से रिजल्ट आएगा। कहां पे करेगा? मेरा तो कांटेक्ट नहीं है, स्ट्रेंजर को दिखा दो। रास्ते में बहुत सारे लोग चलते हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग चलते हैं, भीड़ में चलने वाला लोग अपना सपना घर में अलमारी के अंदर में बंद करके जाते हैं। क्या सपना उनके साथ ही चलता है? सिर्फ बाकी है कि उनके साथ आपको पहचान करना है, उसको सपने को सही रास्ता देना, दिशा दिखाना। ये सब शक्ति सब में समाहित है। हनुमान जी में भी शक्ति समाहित था, बचपन तो उनको पता नहीं चला था कि उनके उतना ताकत है, पर वो करते 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 उनको अपना ताकत का महसूस एहसास हुआ। ये सुन लो, ये सुन लो, यस। तो आप में एक लीडरशिप देने का क्षमता है। आप अगर करते रहोगे तो करते करते आप में वो शक्ति आएगा, वो एनर्जी आएगा कि जब आप परख पाओगे सामने वाला मुझे नकार रहा है, धिक्कार रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं करोगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा, वो तजुर्बा आपके पास नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं आएगा। आपके घर के पास हाउस वाइफ है, आप जाके एसटीपी दिखा दो। आप एसटीपी दिखाओ रेगुलर बेसिस में, सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट से लेकर हाउस वाइफ सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, हर एक हफ्ते में कम से कम 5 से 6 एसटीपी मिनिमम, हर एक रोज एक एसटीपी, हर एक रोज एक एसटीपी। क्लियर कर पाया? यस। रात को 10 बज गया, आप कॉन्वर रोड में खड़े हो, ऑटो बंद हो गया, घर पे आपको आना है, पैदल नहीं आ सकते, बहुत दूर है, अभी क्या करोगे? आप बताओ भैया, छोड़ देंगे? शर्म नहीं लगेगी? बोले शर्म का बात नहीं, घर तक पहुंचना है कुछ भी करके। ये सुन, तो क्यों आज लोगों से बात करने में हिचकिचाहट, तकलीफ? मत करो, शुरू कर दो, फ्लैगशिप बना है। यस और नो? यस। टारगेट लो, आने वाला 3 साल के अंदर में कम से कम फ्लैगशिप से लाखों रुपए कमाएगा। टारगेट लो, अनलिमिटेड इनकम करने का मौका दिया। स्मार्ट वेलो ने इतना दिन हाथ पर मार्केट पर अनलिमिटेड इनकम नहीं कर पाया। दिस इज वन ऑफ फाइनेस्ट इनकम जो एक इंसान अनलिमिटेड इनकम कर सकते थ्रू फ्लैगशिप। बस क्लियर? यस। तो जिसके लिए मैं सारे लोगों को बोलूंगा कि रिटेल आपका जैसे हो रहा है ठीक है, चलो चलता रहेगा, साथ में ज्वाइनिंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रायोरिटी रखता है। इनविटेशन के बारे में आज आपको सिखाया गया, इनविटेशन के बारे में आप अपना घर में बैठ के अपना प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करो, अपना गलती को सुधारो, कहां पे मेरा गलती हो रहा है उस गलती को सुधार के फिर बस लग जाओ। क्लियर?
कहीं पे भी आपका एसटीपी, आप एसटीपी करो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बोल देता हूँ, मोरान में ऑलरेडी हम लोगों का ऑफिस बन चुका है, हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। मोरान में ऑफिस ओपनिंग भी हो चुका है, वीडियो आप लोगों को ग्रुप पे शायद मिल चुका है। मोरान ऑफिस में भी जाकर आप लोग अगर एसटीपी दिखाना चाहते तो दिखाऊ, बट सोच के नहीं सर जाएंगे 10 दिन 15 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद नहीं, फटाफट एक्शन साथ साथ। मान के चलो आप रास्ते से साइकिल लेके जा रहे थे, उधर से दूसरा साइकिल वाला आके आपका सामने का टायर में ठोक दिया, आप साइकिल से उतरोगे, साइकिल स्टैंड करोगे, खड़ा होगे, आदमी को देखोगे, बुड्ढा है, जवान है, क्या है देखोगे, कमजोर है, पैसे वाला है, गरीब है, अगर सब कुछ देख के अच्छा ठीक है अभी जाके बात करता हूँ, नहीं होता ऐसा। एक्शन ऑन द स्पॉट, साइकिल फेंकोगे, मेरा साइकिल को क्यों मारा, ये समझो, यस, एक्शन ऑन द स्पॉट होता है, ये समझो, यस, सोच समझ के कुछ काम नहीं होता है, ये समझो, यस, सोच समझ के कुछ काम नहीं होता है, एक्शन ऑन द स्पॉट, स्पॉट जाएगा, एसटीपी दिखाएगा, फिंगर करके टीटी उठाएगा, ऑन द स्पॉट, यस, यस, ये भी जरूरी है आप लोगों के लिए। हर एक रोज ये इंटेंशन लेके सुबह उठ के भगवान का प्रार्थना करते ना, भगवान आपको प्रार्थना करने से क्या देगा, भगवान आपको शक्ति देगा करने के लिए, करना तो आपको है, ये समझो, यस, भगवान का प्रार्थना करके आप और एक प्रार्थना करते हो, व्हाट्सएप और फेसबुक का, ये प्रार्थना छोड़ दो, सुबह उठ के व्हाट्सएप और फेसबुक का प्रार्थना करना छोड़ दो। हम लोग सुबह उठ के भगवान का जैसे तैसे प्रणाम करके फेसबुक को लेकर 10 मिनट हम लोग समय बिताते हैं। अगर सुबह उठ के आपका जो इष्ट देवता है, आपका जो भगवान है, आप जिस गॉड अल्लाह जिनको भी मानते हो, आप उनके बारे में प्रे करो, शांत मन से जो भी आप कर लो, करके आप अपना दिमाग में एक्शन बिट ले, आज मेरा क्या क्या काम है, किसको स्टडी दिखाऊंगा, कैसे करूंगा, क्या फीडबैक करूंगा, ये एक्शन अगर आपके दिमाग में नहीं चलेगा, एक्शन ऑन द स्पॉट, तो कैसे होगा, सोच समझ के कुछ नहीं होता, ये सुनो, अब जब तक सोचते रहोगे तब तक आग लग जाएगा। आप घर में दिया जला के ऐसे कर रहे हो, दीपावली में एक चिंगारी जाके आपका घर का दीवार पे बांस का जो बेर है उसमें नहीं तो आपका बिस्तर में गिर गया, सोचते रहो ये क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, सोचते सोचते आग जला देगा, ये सुनो, yes. ये सुनो, एक्शन ऑन द स्पॉट। एक मच्छर आके आपको यहाँ पे बैठा है, बैठा है कितना खून पी रहे, एक एमएल लिया ना, और कितना लेगा, हाँ बैठा है आपको दर्द महसूस हो, ऑन द स्पॉट, यस और नो, यस, एक्शन ऑन द स्पॉट। हर एक चीज में अगर एक्शन ऑन द स्पॉट तो काम पे क्यों नहीं एक्शन ऑन द स्पॉट, यस और नो, यस, कहीं पे जा रहे थे गिर रहे थे फटाक से जो नीला पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, एक्शन ऑन द स्पॉट, काम पे क्यों नहीं एक्शन ऑन द स्पॉट। टेबल के ऊपर से कांच का बोतल गिर के टूटेगा, टूटने ही वाला था, ऐसे पकड़ लिया, एक्शन ऑन द स्पॉट। सोचते हैं सोचुराम होगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। एक्शन ऑन द स्पॉट, हर एक जगह में एक्शन ऑन द स्पॉट। हर एक रोज सुबह उठ के दिन को शुरू करो, मुझे एसटीपी करना, फीडबैक करना, डीडी उठाना, एसटीपी करना, फीडबैक करना, डीडी उठाना, एक्शन ऑन द स्पॉट। सोचो ना, अपनी सोचेंगे, एसपीएल नहीं है सोचेंगे, रिपर्चेस आया सोचेंगे, फ्लैगशिप आया सोचेंगे, निकल जाओ ना, बात कर लो ना, स्ट्रेंजर कर लो ना, एसटीपी दिखा दो ना, स्ट्रेंजर डीडी नहीं देगा तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आए तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। हर एक रोज जिनका इस बिजनेस में उम्र हो गया ऑलमोस्ट 1 साल, हर एक रोज 3 से 4 एसटीपी करना है मिनिमम, और जिनका इस बिजनेस में मिनिमम 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना हुआ, उनको हर एक रोज मिनिमम 1 एसटीपी बिठाना है, तो जाके अपना एक्सपोजर बढ़ेगा।
अपना क्वालिटी बढ़ेगा, अपना टैलेंट निकलेगा अंदर से, नहीं तो वो टैलेंट कुछ देर गुब्बार खुलेगा फिर कुछ हो जाएगा, क्योंकि पकड़ना आप नहीं जानते, पकड़ना आप नहीं जानते, हवा निकल जाएगा। yes. समझो पाए? Yes. So action on the spot. On the spot. हर एक रोज उठ के एसटीपी का टारगेट है, एसटीपी करना, फीडबैक करना, ड्यूटी करना है। एसटीपी नहीं किया, सारा दिन एसटीपी नहीं किया तो आपका दिन ही बर्बाद हुआ। सारा दिन अगर एसटीपी नहीं किया तो दिन ही बर्बाद। क्यों भाई, तुम एसटीपी करके डीडी नहीं उठाया? 18,000 का डीडी नहीं उठाया एसटीपी करके? आज कहां पे वो दम चला गया? गुब्बारा फुलाना जानता है, पकड़ना नहीं जानता। उसको सीखो कि कैसे पकड़ना पड़ेगा। फुलाना तो कोई भी बच्चे को भी गुब्बारा दो ना, तुम्हारा भतीजी को भांजी को गुब्बारा दो ना, फू 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 मारेगा, फूलेगा नहीं। क्यों? उसको एक फू में इतना बड़ा करना जानते हो, बड़ा करना नहीं जानता। yes. उसको पकड़ना नहीं आता। उसको पकड़ना सिखा दो, थोड़ा देगा, सांस लेगा, फिर देगा, फिर पकड़ेगा, तो एक समय वो भी बड़ा कर सकता है। दुनिया में हर एक काम हर एक इंसान से हो सकता है। लोग कहते हैं औरत से वो काम नहीं हो सकता जो मर्द कर सकते हैं। किसने कहा? आज औरत भी वो काम करते हैं जो मर्द नहीं सकते, ये समझो। yes. तो जिसके लिए आप लोगों से भी हो सकता है, बट एक्शन ऑन द स्पॉट, काम करना पड़ेगा हर एक रोज। आपको हर एक रोज एसटीपी दिखाना पड़ेगा। किसको दिखाओ? वो आप जानते हैं, आपका सपना जानता है, आपका सपना आपको दिखा देगा आपको किसको एसटीपी दिखाना है, किसको फीडबैक करना है। आपका सपना आपको दिखा देगा किसको एसटीपी करना है। आपका सपना आपको बोल देगा, अगर आपके मन पे सपना है आपका, आप बोल देगा इनको एसटीपी दिखाओ, इनको दिखाओ, इनको दिखाओ, इनको दिखाओ। सपना नहीं है ना, सामने में प्रोस्पेक्ट रहने से भी हम एसटीपी नहीं दिखा सकते। कुछ दिन के बाद बोलेगा, अरे ये तो मेरा घर का बाजू वाला इंसान है, उसको किसने ज्वाइन करा दिया स्मार्ट गुरु में? क्योंकि तुम्हारा सपना नहीं था तो बाजू वाले को भी दूसरा ज्वाइन कराएगा। ये सब नो? यस। ये सब नो? यस। नहीं तो दूसरा कोई ना कोई काम करेगा, दूसरा कोई ना कोई ज्वाइन करेगा। आपका सपना नहीं तो आप नहीं सकते। व्हाट माय पॉइंट? क्या मैं क्लियर कर पाया? यस। आज ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, आज इतना तक ही सीमित है। आज 7 तारीख है, आपको एसटीपी शुरू करना है आज ही से, अभी यहां से जाकर आपको टारगेट करना है, किधर में जाकर आपको एसटीपी दिखाना है। एक्शन ऑन द स्पॉट, स्पॉट एसटीपी दिखाना है, फीडबैक करना है, डेली करना है। हाँ, जरूर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आप एसटीपी दिखाने जा रहे हो तो आप एसटीपी को अपना सीनियर से एक बार टेस्ट करा लो, जांच करा लो, सही एसटीपी दिखा रहे हो, गलत एसटीपी दिखा रहे हो, कहां पे गलती हो रही है। एसटीपी करके नोट कॉपी बुक लेके सीनियर के सामने बैठ के डिटेल्स में बात करो, मैंने ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा बोला, कहां पे गलती हुआ, मुझे सुधार करके दो, मुझे रेक्टिफाई करके दो, मेरा गलती कहां पे हो रहा है। गलती को रेक्टिफाई करो, दूसरा दिन निकलो, देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 4-5 दिन के अंदर में तुम एक परफेक्ट एसटीपी करने वाला बन जाओगे। So thank you for listening me. आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। कल